गुड़वा पॉलिटिक्स के अंदर मिला बड़ा बूस्ट कांग्रेस पार्टी को, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने गुड़बगा शहर में कैंपेन की। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात माने तो ये कैंपेन काफी बूस्टअप की है कांग्रेस को। यहां कांग्रेस के गुड़बगा नॉर्थ के कैंडिडेट मैडम कनीज फातिमा साहिबा, साउथ के कैंडिडेट आलम प्रभु पाटिल खास तौर पर इस पर कैंपेन में बड़ा रोल निभाया था। साथ आप देख सकते हैं प्रियंका खड़गे के साथ साथ अजय सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं। साथ साथ गुड़बगा शहर के डीसीसी प्रेसिडेंट से लेकर सभी कार्यकर्ता ने इस रैली में शामिल रहे और पब्लिक का काफी बड़ा सपोर्ट मिला। ये रैली शुरुआत की नागेश्वर स्कूल से और एसवीपी यानी तिमापुरी सर्कल तक ये रैली चली, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस को मिला ढेर सारा प्यार। पार्टी वर्कर के साथ साथ आम जनता भी इस इवेंट में शामिल रही और कांग्रेस को इस बार स्टेट में लाना है और मैडम कनीज फातिमा और आलम प्रभु पाटिल को यहां से जिताना है, इस तरह की बात की जा रही है। आइए देखते हैं इस रैली और इस इवेंट के शॉर्ट हाईलाइट। सब्जी महंगी, दाल महंगा, तेल महंगी, आटा महंगा, चावल महंगी, सब कुछ महंगा हो गया है। कैसे गुजारा करती हो, कैसे करती हो? बहुत मुश्किलें बढ़ गई है ना, है ना? सबसे ज्यादा बोझ आप उठाती हो, समाज का बोझ, परिवार का बोझ, सबकी देखभाल कर। आपको ईमानदार सरकार चाहिए कि नहीं? आपको ऐसे नेता चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे? उनकी जय हो। हमारी पार्टी के परम आदरणीय अध्यक्ष हैं, हम सब उनका बहुत आदर करते हैं और उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं के प्रयास से कल्याण कर्नाटक में 371 जे का आर्टिकल आया। हम चाहते हैं कि बीदर से लेकर कर्नाटक के दूसरी तरफ एकदम कर्नाटक के पार तक चामराजनगर तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, उनमें टाउनशिप्स बने ताकि रोजगार पैदा हो।